सुप्रभात, मैं पूनम माथुर, भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का संस्कृत विषय का त्रयोदशा पाठ, शितो रास्ते, भारत स्वर्णभूमि के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, इयं धरा के स्वर्णवत भाति, कि ये धरती जो है, भारतवर्ष की जो भूमि है, वो सोने की भांति कैसे सुशोभित होती है, किससे सुशोभित होती है? तो शस्य, शस्य अर्थात, शस्य का अर्थ है फसलों से, मतलब यहाँ की जो फसलें हैं वो फसलों से इतनी हरी भरी रहती है कि उसी से वो सोने के भांति चमकती है या सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र रास्ते, भारत स्वर्ण भूमि, भारत जो है वो कहाँ पर सुशोभित है? तो शितौ, शितौ माने धरा पर अर्थात पृथ्वी पर। इयं केशा महाशक्ति भी पूरिता, ये किन महाशक्ति से, किस महाशक्ति से परिपूर्ण है? तो अणुनाम, अणुनाम माने परमाणु, परमाणु महाशक्ति से ये परिपूर्ण है। इयं भू कस्मिन् युतानाम अस्ति, यह धरती जो है, भारतवर्ष की जो धरती है, कस्मिन् युतानाम माने किस समूह के द्वारा सुशोभित है, मतलब यहाँ पर कौन सा समूह जो है वो कार्य कर रहा है? तो प्रबंधे, प्रबंधे युतानाम, प्रबंध समूह के द्वारा ये सुशोभित है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यह सदैव किससे सुपूर्ण है, किससे भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से, किससे परिपूर्ण है? तो खाद्यान्न भाण्डम, खाद्यान्न भाण्डम माने खाद्यान्न के भंडार जो है उससे भली प्रकार से परिपूर्ण है। दूसरा है, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, हमें ये जो शब्द लिखे हैं, ये जो पद लिखे हुए हैं, इनके जो समानार्थक हैं वो हमें ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उसमें से हमें चुनने हैं। तो जैसे पहला है पृथ्वीयाम, तो पृथ्वीयाम का जो समानार्थक शब्द है वो इन तीनों में से कौन सा है? शितौ, पर्वतेषु, त्रिलोक्याम, इन तीनों में से जो इसका समानार्थक है वो है शितौ। पृथ्वीयाम माने पृथ्वी पर, और शितौ का अर्थ भी यही है, पृथ्वी पर। दूसरा है सुशोभिते, सुशोभिते का इसमें से समानार्थक है भाति, भाति माने भी सुशोभित होना और सुशोभते माने भी सुशोभित होना। तीसरा है बुद्धिमताम, तो बुद्धिमताम का पर्वणाम, उत्सवानाम और विपश्चि जनानाम, इसमें से इसका उत्तर है विपश्चि जनानाम, इसका अर्थ भी है बुद्धिमान व्यक्तियों। मयूरनाम, इसका जो है समानार्थक, इसका है शिखीनाम, शिखीनाम माने मयूर अर्थात मोर। इसके बाद है, चित्रम दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरु, चित्र को देख करके उपयुक्त पदों से हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। तो हमें इसमें खाली स्थानों में हमें इस चित्र को देख करके हमें शब्द भरने हैं। जैसे कि पहला है, अस्मिन् चित्रे एका वहति, इस चित्र में एक बह रही है, तो क्या बह रही है, यहाँ पे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, तो क्या बहती है? नदी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नदी। फिर क्या है, नदी निःसरति, नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? पर्वतों से निकलती है, तो यहाँ क्या आएगा? पर्वतात्, पर्वतात् माने पर्वतों से। नद्यां जलम भवति, नदी का जल होता है तो कैसा होता है? तो यहां लिखेंगे शुद्धम, फिर है शस्य सेचनम भवति, फसलों की सिंचाई होती है तो किससे होती है? तो यहां आएगा नदी जलेन, जलेन। फिर है लास्ट में, आखिर में है, भारतः भूमि अस्ति, भारत भूमि है, कैसी भूमि है? तो स्वर्ण, स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत स्वर्ण भूमि है।
इसके बाद है पांचवा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। चित्र को देख करके हमें जो मंजूषा दी है इसमें से शब्दों को चुन करके इन खाली स्थान में हमें भरना है। तो पहला है अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? अस्त्राणि। अस्त्राणि माने हमें इस चित्र में हमें अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा नंबर 1। यहाँ पे आएगा 1 इसमें। दूसरा है एतेषां अस्त्राणां युद्धे भवति, इन अस्त्रों का युद्ध में होता है। तो क्या होता है? प्रयोगः। यहाँ आएगा प्रयोगः। तीसरा है भारतः एतादृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत इनके प्रयोग से विकसित देश माना जाता है। तो किसके प्रयोग से? तो क्या आएगा यहाँ पर? अस्त्राणां। तीसरे में आएगा अस्त्राणाम। अस्त्राणाम माने अस्त्रों के। तो भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। इसके बाद में है अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि, इसमें आएगा भवति। भवति माने होता है, यहाँ परमाणु अस्त्रों का प्रयोग भी होता है। इसके बाद में है आधुनिक अस्त्रे अस्मान् शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक अस्त्रों से। तो क्या आएगा यहाँ पे? सैनिकः। आधुनिक अस्त्रों से सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। वो किससे रक्षा करते हैं? शत्रुभ्य माने शत्रुओं से। इस प्रकार से बच्चों आज हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को समझा है। धन्यवाद।